सब्सक्राइब कीजिए बुटवक जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। बोलो। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बुटवक जेट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जैसे आपको बास्केट लगानी है बोतल वाली जो होती है अपनी फॉल आउट, तो उसको जो लगाना है उसकी जो फिटिंग होती है वो किस तरीके से लगती है और उसकी जो चैनल होती है किस तरीके से लगाई जाती है। जैसे हमारा जो होल्डिंग आती है बास्केट, तो उसको किस तरीके से लगाई जाती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके से लगाई है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें कि आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में जो बोतल वाली बास्केट आती है किस तरीके से आती है, जो पुल आउट होता है वो किस तरीके से पैकिंग में आती है, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमारी पैकिंग में आती है और हमारा जो सारा सामान होता है इसी के अंदर निकलता है। और हमारे जो ऊपर के जैसे रैग होता है और नीचे का होता है, दोनों इसी में होते हैं। और हमारी चारों तरफ से ये पत्ती जो लगती है, इसमें कोई स्क्रू नहीं होता, ये पत्ती उसी में लगती है। हमारी जो एल पत्ती होती है कि उस जैसे हमारा रैग होते हैं तो उस तरीके से लग जाती है। और इसमें जो हमारे चैनल होता है, चैनल के नीचे से जैसे हमारा जिस तरीके से पेच लगाए जाते हैं उसकी जगह नीचे वाले रैग्स में होती है और ऊपर वाला अलग तरीके से होता है। तो जैसे उसमें सुराख होते हैं हमारे पेच टाइट करने के, उस तरीके से होती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता भी चलेगा। अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके की ये मेटल में आती है फिटिंग। तो अपना जो फिटिंग आती है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान है इसको लगाना, बहुत इजी है, आप इसको लगा सकते हैं। जैसे हमारा बाहर की साइड होता है फ्रंट की वाली पत्ती, तो उसमें हमारे पेज के यानी कि जो हमारे मत्थे में टाइट होते हैं, ये देख सकते हैं आप, अंदर वाली जो होती है वो चैनल में जो लगती है, तो इस तरीके से आगे की साइड उसमें पेचों का निशान होते हैं, तो वो पेज हमारे चैनल में कस जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आते हैं इसमें अपने, और बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक। तो जैसे आपको लगाना, तो ये देख सकते हैं अपने जिसके साइज़ जो आते हैं 8 इंची, 4 इंची, 6 इंची, इस तरीके से आते हैं। तो अपना सबसे छोटा साइज़ आता है 6 4 इंची, उससे बड़ा आता है 6 इंची, उससे बड़ा हो जाता है 8 इंची, फिर उससे बड़ा हो जाता है 10 इंची, इस तरीके से साइज आते हैं। और ये हमारा सबसे पहले नीचे वाले में लगा, जो हमारे बैक साइड में जो निशान होता है, जैसे हमें अगर स्टॉप क्लोज चैनल लगानी है तो उसके लिए हमारा इस तरीके से आता है। ये देख सकते हैं अपना जो लॉक्स उसमें हमारा फंस जाता है, जो हमारे उसमें चैनल में लॉक्स होते हैं तो वो फंस जाते हैं उस तरीके से। वो पीछे की पत्ती उस तरीके से ही होती है, उसमें दोनों साइड में होते हैं हमारे जो लॉक्स फंसाने वाले। तो उस पत्ती को आप सीधी राइट साइड लगा सकते हैं या लेफ्ट साइड, इस तरीके से उसमें निशान दिए जाते हैं। और आगे का जो होता है हमारा, जो आगे फ्रंट में लगता है, तो फ्रंट वाली में हमारे जो पेच लगते हैं मत्थे में, जिसमें हमारा बोर्ड, आप बोर्ड लगाते हैं या जो भी लगाते हैं उसके सामने मत्थे पर जो बोर्ड होता है या प्लाई के मत्थे लगाते हैं, तो उसमें हमारे पेच आसानी से लग सकें। तो इस ऐसे जो हमारा बाहर की साइड जो होता है, जो फ्रंट होता है, उसमें पेचों का निशान आता है, ये ऊपर से अपना इस तरीके से लग जाता है, नीचे लग गया आपका, फिर उसके बाद आपका ऊपर का इस तरीके से लग जाता है। और अपना ये ऊपर लगाने के बाद कुछ बास्केट ऐसी होती हैं जिसमें अपने पेच टाइट करने का आता है, जैसे 3 सेल्फ वाली हो गई, ये 2 सेल्फ वाली है, 3 सेल्फ वाली में पेच लगाने का सिस्टम आता है, 2 सेल्फ वाली में इस तरीके से आती है, जो अपना 18, इसकी जो गहराई होती है 20 इंची होती है और इसकी जो हाइट होती है 18 इंची होती है। किचन में हमारा होता है, हमारा काम आता है, जैसे कम जगह होती है, जैसे हमारा जो होता है, हमारा हमारी साइड में यूज हो जाता है, कम जगह बच जाती है, तो उसमें हमारा ये लग भी जाता है और हमारे यानी कि जगह भी यूज हो जाती है, जिस तरीके से बना सकते हैं, जगह में सामान नहीं रख सकते, तो आप इस तरीके की बास्केट लगा सकते हैं। तो अपना जो बास्केट है तो इस तरीके से फिट होती है इसमें, और 8 इंची, अपना 6 इंची, जो भी जगह आपकी निकल जाती है, इसमें 4 इंची भी आती है आपकी, 4 इंची भी बोतल की बास्केट आती है अपनी, पल आउट 4 इंची में भी आता है, तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। हमारी जो जगह होती है 4 इंची, तो बहुत कम जगह जैसे बच जाती है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। किचन में बहुत जगह की ज़रूरत होती है, जैसे सामान ज़्यादा होता है किचन का, तो छोटी किचन होती है, ज़्यादा बड़ी तो किचन होती नहीं है, तो उसमें हमारी एक एक जगह जो होती है कीमती होती है, छोटी से छोटी जगह, तो आप इस तरीके की लगा सकते हैं बास्केट, और बहुत आसान है इसको लगाना। और हमारे जो स्क्रू जो आते हैं, जो जैसे पैकिंग में जो हमारा इसका फिटिंग का सामान आता है, सारा पैकिंग के अंदर आता है, बाहर से हमें कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं लेना होता, तो इस तरीके से ये सामान निकलता है इसमें। आप इसको इस तरीके से पेच लगा सकते हैं और अपना इसको टाइट करने के बाद, अपना जैसे टाइट हो जाएगा हमारा, उसके बाद आप चैनल का निशान ले सकते हैं। अगर आप जैसे पहले ले लेते तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, आपका निशान लगाने में दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो आपको प्रॉपर साइज नाप के लगा सकते हैं। ये ईजी है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे आपका मिस्त्री जैसे लगाता है तो उसको टाइम की बचत रहेगी, अगर आपका हेल्पर भी लगा सकता है इसको आसानी से। तो इस तरीके से आपको पीछे की तरफ ये लॉक होते हैं, लॉक फंसाने के बाद अपने जो लॉक होते हैं हमारे उसमें फिट करने के बाद आप इस तरीके की पेच लगा सकते हैं, और पेच लगाने के बाद आप इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। टाइट करने के बाद ही अपना निशान लेना आपको चैनल का, जो हमारे बॉक्स के अंदर ये जहाँ पर लगेगी, तो उसके बाद आपको इसको पूरा प्रॉपर टाइट कर लेना, जैसे अपनी चैनल होती है चैनल को भी, और अपना
बास्केट जो टाइट है वो उस तरीके से टाइट कर लेनी है, और फिर उसके अंदर आपको लेनी है, इसमें आगे को आपको दिक्कत नहीं आवे निशान लगाते टाइम पे, जैसे अपना निशान लगाना है या अपना मत्था भी कसना है हमारा, जो मत्था होता है तो हमें चैनल पहले टाइट करनी होती है इसमें बास्केट के अंदर, उसके बाद ही हम निशान ले सकते हैं। अगर हमारा हम पहले ले लेते हैं तो हमारा दिक्कत आ जाती है कि मत्था आगे भी होता पीछे भी होता तो उसमें दिक्कत आती है, सॉफ्ट क्लोज चलता नहीं है सही ढंग से। तो आपको इस तरीके से निशान लेना है जो सॉफ्ट क्लोज, अगर आप जो हमारे चैनल होते हैं सॉफ्ट क्लोज वो आसानी से सॉफ्ट यानी कि चलता रहे, जो उसका हाइड्रोलिक होता है जो पंप होता है वो आराम से काम करे, चैनल हमारे जल्दी से ख़राब नहीं हुए। तो इस तरीके से आपको टाइट करके तब लगानी है आपको, अगर आप दूसरे तरीके से लगा दें तो आपको दिक्कत आ सकती है और आपका पंप टेढ़ा भी लग सकता है या अपनी जो चैनल होती है वो टेढ़ी लग सकती है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से आप निशान ले लें, जैसे आपको मत्था लगाना है तो उसी तरीके से आप अंदर करके लगा सकते हैं इसको, एक सूत अंदर करना आपको, अपना जो मत्था आता है फ्रंट का उसे नाप लें इस तरीके से जैसे हमने पट्टी लगा कर देख रहे हैं, उसके बाद अपना निशान लेने आपको एक सूत अंदर करके लगानी है ये बास्केट, ज़्यादा नहीं अंदर लगानी, तो उसमें आपका सॉफ्ट क्लोज जो होगा वो काम आराम से अच्छा भी करेगा और बढ़िया भी रहेगा, और हमारी जो पकड़ होती है जैसे बास्केट अंदर खींचती है जो हमारा हाइड्रोलिक होता है तो वो आराम से काम करता रहेगा और उसमें अच्छा भी रहेगा यानी कि मजबूती सही रहेगी उसकी। तो इस तरीके से आपको लगाना, जो हमारे इस तरीके से जो फिटिंग होती है वो खोल लेते हैं, उसके बाद हम चैनल को लगाते हैं। चैनल पहले आपको एक साइड की लगानी है, लेफ़्ट लगाओ या राइट लगाओ, आपको लेफ़्ट लेनी है तो लेफ़्ट इस तरीके से टाइट कर सकते हैं जहाँ पर हमने निशान लिए थे, हमारा इस तरीके से कील से हम निशान ले लेते हैं और उसके बाद हम स्क्रू कस देते हैं इसमें। स्क्रू कसने के बाद जैसे हमारा ये चैनल लग जाएगा, तो चैनल लगाने के बाद हम इसको फिर बास्केट को उसी तरीके से लगाएंगे, आपको स्क्रू टाइट करने हैं, ठोकने नहीं है, आप देख सकते हैं इस तरीके से नापना है आपको साइज़, जो हमारा आगे की साइड है वही पीछे की साइड बक्सा जो होता है हमारा उस तरीके से आपको नापना, जैसे 1 इंची है तो 1 इंची ही अगर आ गया है तो 1 इंची पीछे ही आपको नापना होगा, ये 1 इंची आ गया है तो उसी तरीके से आप पीछे नाप सकते हैं। चैनल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए आपकी, अगर टेढ़ी होगी तो बास्केट सही ढंग से चलेगी नहीं आपकी, उस तरीके से आपको पेज टाइट करने हैं। इसमें अपना साइज़ प्रॉपर नापना, अपना जो साइज़ है उसको प्रॉपर नापना, उसको टेढ़ा नहीं रखना, अगर टेढ़ा रखते हो दिक्कत रहेगी। फिर उसके बाद अपना दूसरा जो हमारा निशान था आगे का, हमने आगे की साइड निशान लगाए थे तो हमें उस तरीके से वो नापना उसकी जो चौड़ाई होती है, तो हम चौड़ाई नाप के अपना जैसे आगे की साइड हमने नापा था ये देख सकते हैं, जैसे इस तरीके से हमें बीच का साइज लेना, पहले हमने साइड से लिया था अब बीच में हमें साइज़ नापना, हमारी जो बास्केट ऊपर से लगे तो वो टेढ़ी नहीं बैठनी चाहिए, आसानी से वो लग जानी चाहिए और टाइम की बचत होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको टाइम की बचत भी करनी है, टाइम बहुत कीमती होता है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, अगर अपना जल्दी काम खींचना तो इस तरीके से कर सकते हैं। आपने आगे के पेज लगा लिए फिर उसके बाद पीछे के लगाने, और हमारा जो बीच का साइज़ है जैसे चैनल का तो उस तरीके से हमें लगाना होता है ज़रूरी। चैनल इस तरीके से टाइट करना है आपको, आपका स्क्रू ड्राइवर है तो उससे कर सकते हैं, अगर आपके पास पेचकस है तो पेचकस से कर सकते हैं, अगर पेचकस से टाइट होता है पेज टाइट करने में अगर आपको ज़्यादा टाइट लग रहा है जैसे टूट जाते हैं पेज तो आप साबुन लगा के टाइट कर सकते हैं, उससे इजी हो जाता है, आराम से सॉफ्ट क्लोज हो जाता है पेज जो अपना सॉफ्ट हो जाता है ज़्यादा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पहले आपको पीछे के लॉक फंसाने हैं उसके बाद अपने आगे के पेज कसने, इस तरीके से ये हमारे लॉक्स फंस जाते हैं, जो लॉक्स होते हैं चैनल में वो इस तरीके से फंस जाते हैं। ये जो हमारी सॉफ्ट क्लोज चैनल आती है इसी साथ आती है फिटिंग, जैसे भी हमारी जितनी भी फिटिंग होगी सब इसी के अंदर आएगी अगर आप इस तरीके की फिटिंग लेते हैं तो हमारा इस तरीके से फिटिंग आती है इसमें। और ये हमारा जो आता है जैसे इनो टैग हो गया, इनो टैग में आती है ऐसी फिटिंग, ज़्यादातर आपका जैसे नॉर्मल बास्केट होती है उनमें इतना इतना आपको जो बास्केट हो इस तरीके की बास्केट नए नए डिजाइन आपको नहीं मिलेंगे, इनो टैग में ज़्यादा मिलेंगे आपको, आप किसी भी कंपनी की लगाते हो उसमें आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं। तो आप इस तरीके से फिटिंग लगानी है आपको, ये पेज हमारा टाइट हो गया, ये हमारा इस तरीके से पुल आउट लग गया, आप देख सकते हैं इस तरीके से फिटिंग हो जाती है पुलआउट की, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने यार दोस्तों में, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे इसी तरीके की, थैंक यू फ्रेंड।